السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم

अभी मैंने जो तिलावत आपके सामने पेश की है वो तो के मुतल थी जैसा कि अहिद तो वाहिद रास्ता है नजात का इसके मुतल मैं आपके सामने पेश करूँगी का माना है एक और बेमिसाल है तोहद की अतलाही तारीफ़ है तोहद का मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात अपनी सिफात अफवाल और इख्तियारत में अकेला और बेमिसाल है और तमाम कस्म की इबादतों का मुस्तक सिर्फ़ अल्लाह ताला है अद तो इस कायनात की सबसे बड़ी एक आलमगीर सच्चाई है इंसानी ज़िंदगी को अपनी ज़ात के अंदर सैकड़ों नहीं करोड़ों निशानियाँ तोहद की गवाही देने के लिए मौजूद है कायनात का जर्र जर्रक़ीद तोहद की तस्दीक के लिए तस्दीक करता है जैसा कि अल्लाह ही इलाह वाहिद है इसके बरस शर्क कायनात का सबसे बड़ा झूठ है इंसानी ज़िंदगी और गर्द पेश में मौजूद हज़ारों नहीं करोड़ों ऐसी वाजह निशानियाँ और दलाइल मौजूद है जो शिरक़ की तरदीद करती हैं अल्लाह ताला का इरशाद है वाहक इलामानरहीम सुर बकर आयत नंबर वन तुम सबका माबूद एक ही माबूद है इसके सिवा कोई माबूदे भरक़ नहीं वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है मौजत सामीन इक्राम हजरत आदम से लेकर खातिमुल सलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम तक के बेशुमार पैगंबर मबूस हुए सभी ने तोहीद की तालीम दी नबी करीम वसल्लम ने अपने बीसते मुबारक के बाद तेरह साल तक मक्के मौजमा में मुखीम रहे इस सारे अरसे में आपकी सिर्फ दावत अल्लाह एक अल्लाह की तरफ थी और आप वसल्लम मश्रकिन मक्का से कहते थे या ला इलाह तुफ्लिहु। लोगों ला इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे बस इसी अखीद तौहीद की दावत को आप घर घर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाया करते थे तोहद की अकीदत आखी, यह है कि तमाम कायनत का खालिक, मालिक राजिक और बादशाह सिर्फ़ अल्लाह ही है आज हमारी नजरों के सामने कितने अधियान और कितने मज़ाहिब और कितने मसलक ऐसे हैं कि जिसके मानने वाले गैर-अल्लाह की इबादत करते हैं और रसोल वसम के तरीक़े को छोड़कर इसमें गैरों की तरीक़ों का नाम देते हैं मौजुद साम इस दुनिया का सबसे बड़ा गुना शिरक है शिर्क से सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरानी मजीद में अठारह नबियों का नाम लेकर इरशाद किया के लोगों सुन लो लो अशरक मा काम आयत नंबर एटी एट येट। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इसमाइल जबीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहल्ला जैसे उलुल उलॉज़म पैगंबर भी अगर शिर्क करते तो उनकी नबतें ख़त्म हो जाती और उनके आमाल भी ज़ाया हो जाते इस तरह अल्लाह ताला ने अपने इमामुल इमामबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फ़रमाया अन्ना आमालुका लशरकन्ना मिनल मिनसरिन सूरत जुमर आयत नंबर सिक्सटी फाइव नबी अगर आप भी शिरक करते तो आपके सारे आमार ज़ाया हो जाते और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाते मोहतरम सामियात अक़ीदत तो की फजीलत अदत कयामत के दिन गुनाहों का कफारा है और अल्लाह ताला की मकफिरत का बायस बनेगा एक हदीस खुदसी में अल्लाह ताली फरमाता है अय इबन आदम अगर तो रुए ज़मीन के बराबर गुनाह करके आए और मुझसे इस हाल में मिले के किसी को मेरे साथ शरीक ना किया हो तो मैं तुझको रुए ज़मीन के बराबर मगफरत अदा करूँगा अहिद तो के फवाद अद तो पर ईमान रखने वाले अशखास अपनी जिंदगी के तमाम हालात और मामिलात में खौफ कैसे ही क्यों ना हो वह अपने अंदर सुकून खरार यकीन और तस्लीम की कैफियत महसूस करते हुए रहते हैं अकीद तोहद के बरकत और समरात इस कदर हैं कि इनका शुमार ही नहीं किया जा सकता आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया को अखीद तौहीद पर अमल करने वाला बनाए आमीन व वसलम व वबरक